सीधा रुख करेंगे मुंगेर जिले की तरफ, जहां दुर्गा प्रतिमा मूर्ति शांतिपूर्वक विसर्जन किया गया। जैसा कि पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से मां दुर्गा की पूजा आराधना करी और उसके बाद उनका मूर्ति विसर्जन किया। संग्रामपुर की बात करें तो क्षेत्र के लगभग सभी जगह पर मां की अंतिम विदाई दी गई। ठीक वैसे ही प्रखंड के रामपुर पंचायत के मनिया गांव में हर साल की भांति इस साल भी हर्षोल्लास से मां दुर्गा का पूजन किया गया, लेकिन विसर्जन के दिन में युवाओं के द्वारा माता का पूजा आराधना करते हुए मां के विसर्जन के लिए झूम झूम के आरती लगाते हुए विदाई की गई। विसर्जन के समय में युवा रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि गौतम कुमार द्वारा सभी युवाओं के माथे पर तिलक लगाकर शांतिपूर्वक विसर्जन करवाया गया। माता रानी से आराधना करी गई है कि इस कोरोना काल को समाप्त कर फिर से पूरे देश में खुशहाली लौटा दें। R9 भारत के लिए रोहित कुमार, संग्रामपुर, मुंगेर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, R9 भारत टीवी की स्क्रीन पर मुंगेर से आ रही है। जी हां, मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान शंकरपुर पलाल दरवाजा पूजा समिति के सदस्यों के बीच अचानक मारपीट हो गई। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर R9 भारत पर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान सोजी घाट के पास दो पूजा समिति शंकरपुर व लाल दरवाजा पूजा समिति के सदस्य आपस में भिड़ गए। लगभग आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए हैं सदर अस्पताल में जो भर्ती कराए गए हैं। विसर्जन करके शंकरपुर पूजा समिति के सदस्य लौट रहे थे, तभी सोजी घाट के पास शंकरपुर पूजा समिति के सदस्यों ने लाल दरवाजा पूजा समिति के सदस्यों से बिना किसी कारण के ही मारपीट शुरू कर दी। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया। एक घायल युवक का क्या कहना था? सोजी घाट चरबटिया मोड़ पर नंबर में लगा हुआ था, सब डांस कर रहे थे, अब शंकरपुर विसर्जन करके आ रहा था, लाठी घुमाते हुए सब पर बरसात कर दिया, हम लोग जान बचा के भाग रहे। आप लोग किस पूजा समिति से? लाल दरवाजा दुर्गा पूजा समिति। अच्छा, क्या तो क्या कोई मामला पहले से भी था क्या? कुछ नहीं था, हम लोग डांस कर रहे थे, वो लोग आया विसर्जन करके, लाठी ऊपर में रखा हुआ था, मेरे लोग के ऊपर बरसा दिया। अच्छा, हम लोग खाली हाथ थे और प्रशासन भी उसका साथ देने लगा। कितने लोग घायल हुआ? पाँच छह लोग। क्या नाम हो तुम्हारा? रोहित कुमार। R9 भारत टीवी की स्क्रीन पर मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बात करेंगे बिहार के भागलपुर की, जहां भागलपुर बाईपास TOP थाना क्षेत्र के संत टेरेसा स्कूल के समीप पुल पर एक दूसरी मोटरसाइकिल के आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरे को हल्की चोटें आई हैं। आपको बता दें दोनों मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल जख्मी अमरपुर थाने का सिपाही राम विचार सिंह है, जो पूर्णिया से अमरपुर जा रहा था। दूसरा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पप्पू सिंह TOP थाना बाईपास की ओर से 0 माइल की ओर जा रहे थे। इसी बीच बाईपास संत टेरेसा स्कूल के समीप पुल पर दोनों मोटरसाइकिलों के आमने सामने से टक्कर हुई। एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया एवं पप्पू सिंह को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दोनों मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए घायल सिपाही का क्या कहना था। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार, भागलपुर, बिहार।